नमस्कार छात्र मित्रों, सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय सातारा परिसर औरंगाबाद, यहाँ से मैं श्रीमती टाले एपी आपके सामने कक्षा पाँचवीं हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 8 करो और जानो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे पाठ का नाम है करो और जानो। छात्रों, आज हम इस पाठ के माध्यम से अलग अलग प्रकार के घटक का अभ्यास करेंगे, जैसे पाठ का उद्देश्य, 2 व्यावसायिकों की जानकारी और 3 इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ। बच्चों, आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाई दे रहे होंगे। इन चित्रों के माध्यम से हमें अलग अलग प्रकार के क्रियाओं की जानकारी लेनी है। सबसे पहले हमारा चित्र है फुगड़ी खेल का। यह एक खेल का प्रकार है। इस चित्र में हमें 2 लड़कियां फुगड़ी खेलते हुए दिखाई दे रही है। दूसरे चित्र में एक लड़की हंस रही है। तीसरे चित्र में एक लड़का रस्सी कूद रहा है और चौथे चित्र में एक लड़का गाना गा रहा है। अगर इन चित्रों को देखा जाए तो हमें इन चित्रों में अलग अलग प्रकार के क्रियाओं का आभास होता है। इन चित्रों के माध्यम से यहाँ पर कौन कौन सी क्रिया हो रही है इसकी जानकारी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। छात्रों, आप अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं, जैसे कि फुगड़ी खेलना, रस्सी खेलना, गाना गाना, ये बच्चों के प्रिय खेल होते हैं और इन खेलों से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसके बाद आपको और कई चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। उसमें से पहला चित्र है पगड़ी बांधते हुए एक लड़का। यहाँ पर एक लड़का अपने सिर पर पगड़ी बांध रहा है और यह एक क्रिया है। उसके बाद एक लड़की नाच रही है। एक लड़का अपने घर पर झाड़ू लगा रहा है। अगले चित्र में एक लड़का रोटियां बेल रहा है और हमारा अगला चित्र है एक लड़की कपड़े धो रही है। हमने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चित्र देखे। यहाँ पर जैसे आपको कुछ क्रियाएं नजर आ रही है, जैसे झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, रोटियां बेलना, नाचना, पगड़ी बांधना, यह अलग अलग प्रकार के काम है। जैसे कि आपके उम्र के बच्चे यह छोटे छोटे काम आसानी से कर सकते हैं। झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, उसके साथ साथ घर में माँ का हाथ बटाना, इन क्रियाओं के माध्यम से हम काम भी सीखते हैं और उसके साथ साथ हमारे घर में आपकी माँ का भी आप मदद कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि हमने पिछले चित्र में देखा कि अलग अलग प्रकार के क्रिया बच्चे कर रहे हैं और उन क्रियाओं के माध्यम से हमने अलग अलग प्रकार के कामों की जानकारी भी देखी, तो आज हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यावसायिकों की जानकारी लेंगे। हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। हर इंसान कोई ना कोई काम करता है और उसके काम से ही उसकी पहचान बनती है। जैसे हम सबका एक नाम होता है, उन नाम के अलावा हमारे समाज में हर एक इंसान जो काम करता है उसी काम से वो समाज में जाना जाता है। तो इसी प्रकार से वो कौन से नाम है, उन व्यावसायिकों की जानकारी तथा उनके कार्य यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं। आपके सामने यहाँ पर एक कुम्हार का चित्र दिया गया है। कुम्हार, कुम्हार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। ये कुम्हार जो होता है, ये अलग अलग प्रकार के मटके, सुराइया, गमले, दिए, सुगड़े, पिगी मटके, मूर्तियाँ इत्यादि मिट्टी की चीज़ें बनाता है और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता है। तो कुम्हार का जो काम होता है वो मिट्टी के बर्तन बनाना, इसकी वजह से इसका नाम कुम्हार होता है। हम समाज में अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोग देखते हैं।
और उन कामों के आधार पर उनकी एक पहचान होती है। तो इसमें से एक है कुम्हार। हाँ, तो छात्रों यहाँ पर हमारा अगला चित्र है पंसारी। पंसारी यानी अनाज बेचने वाला। जैसे कि हम घर में खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि गेहूँ, ज्वार, दाल, मूंग, उसके साथ साथ तेल और अलग अलग प्रकार के जो खाना बनाने के लिए सामग्री ज़रूरी होती है, ये सब पंसारी के दुकान पर मिलती है, इसलिए इसको पंसारी कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला चित्र है फूल वाली। फूल वाली यानी फूल बेचने वाली। यहाँ पर आपको चित्र में अलग अलग प्रकार के फूल दिखाई दे रहे होंगे, जैसे सेवंती, बेला, कनेर, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, कमल, चंपा। यह अलग अलग प्रकार के फूल बेचने का काम ये फूल वाली करती है। उसके साथ साथ हार बनाना, मालाएं बनाना, भगवान को अर्पित करना, लोगों को बेचना इत्यादि काम ये फूल वाली करती है, तो इसी वजह से इन्हें फूल वाली कहा जाता है। छात्रों हमारा अगला चित्र है फल वाला। अब फल वाला यानी क्या? फल बेचने वाला। जैसे कि हम हमारे घर में अलग अलग प्रकार के फल खरीद कर लाते हैं, उन्हें खाते हैं, तो ये जो फल होते हैं जो बेचते हैं उन्हें फल वाला कहा जाता है। देखिए हमारे यहाँ सामने फल वाले का चित्र दिखाई दे रहा है। फल वाले के दुकान पर आपको अलग अलग प्रकार के फल दिखाई दे रहे हैं, जैसे अंगूर, केला, अनार, सीताफल, खरबूजा, तरबूजा, सेब, संतरा, अनन्नास इत्यादि, और इससे कई ज़्यादा फल ये फल वाला बेचता है। और इस प्रकार से यह फल बेचने की वजह से इसका नाम फल वाला है। मार्केट में अगर आप कहीं पर भी जाए तो आपको इनकी दुकानें दिखाई देंगी, तथा उसके साथ साथ रास्ते पर, सड़कों पर आपको इनके ठेले भी दिखाई देते होंगे। तो ये जो फल वाला होता है वो अलग अलग प्रकार के फल बेचता है, इसकी वजह से इन्हें फल वाला कहा जाता है। देखो छात्रों हमने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यावसायिकों की जानकारी ली है, जैसे फूल वाला, फल वाला, कुम्हार, इस तरह से। उसके साथ साथ हमारे समाज में और कई लोग होते हैं जो उनके कार्यों से उनकी पहचान होती है, जैसे किसान, डाकिया, सैनिक, नर्स, वकील। ये जो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं, तो उनके कार्यों के आधार पर हम उन्हें समाज में पहचानते हैं। जो अध्यापन का कार्य करता है उसे अध्यापक कहते हैं, जो खेत जोतता है उसे किसान कहा जाता है, पत्र बांटने वाले को डाकिया कहते हैं, देश की सुरक्षा करने वाले को सैनिक कहते हैं, नर्स जो मरीजों की सहायता करती है, उनकी देखभाल रखती है, और वकील ये जो न्यायालय में लोगों को न्याय दिलाने में उनकी सहायता करते हैं। इनके कार्यों के आधार पर हम इन्हें पहचानते हैं। अब यहाँ पर हम हमारे पाठ में आए हुए अलग अलग प्रकार के शब्दार्थ देखेंगे। ओझा, ओझा यानी झाड़ फूक करने वाला। वैद्य यानी हकीम, चिकित्सक। शीतल मतलब ठंडी। सूरज मतलब सूर्य। चांद मतलब चंद्रमा। ठानना यानी निश्चय करना। थकान मतलब थकावट। धरती यानी जमीन। और हमेशा यानी सदैव। छात्रों यहाँ पर हम विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे। मेरा विरुद्ध तेरा। दूर विरुद्ध पास। नीचे विरुद्ध ऊपर। शुद्ध विरुद्ध अशुद्ध। सुखी विरुद्ध गीली। शीतल विरुद्ध गर्मी। और सुख विरुद्ध दुख। छात्रों आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग में लाया जाता है वो हम देखेंगे। जैसे हमारा पहला शब्द है शीतल। पेड़ की घनी छाया शीतल होती है, शीतल यानी ठंडी। थकान, ज़्यादा काम करने से थकान होती है।
शुद्ध यानी सुबह शुद्ध हवा चलती है और हमेशा बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। छात्रों, आज हम इस पाठ के माध्यम से हमने अलग अलग प्रकार के व्यावसायिकों की जानकारी ली तथा उनके कार्यों को समझा। इसके बाद हम हमारे अगले भाग में हमारा नौवां पाठ नीम, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। थैंक यू।